अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है कुछ लोगों के लिए जो वीज़े के बारे में, जो लाइसेंस के बारे में पूछना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अबू हमूर। आज जुम्मा है। अबू हमूर में जाके एक मेरा दोस्त है मेरे गांव का, शिमोगा का, कर्नाटका का। हमारे शिमोगा का एक लड़का इधर रहता है अबू हमूर में, तकरीबन 2 साल से वो इधर रहता है। वो तो लेसन सब बनाया है, वो सब बताएगा कि कैसे बनाया है, क्या है, कैसा कैसा नहीं है, वो सब भी आपको बताएगा। मैं उससे मिलने वाला हूँ जाके, ऐसे मैडम को उसके अम्मा के घर पे छोड़ के सीधा मैं उसके रूम पे जाऊंगा। उसके बाद में रात होती है दोपहर होती पता नहीं, उधर ही रुकना है मुझे, क्योंकि दोस्त है तो दोस्त के साथ मजे करेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक, और देखिए वीडियो और कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नए हो तो फटाफट शुरू करते हैं, चलते हैं। आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक। चलो, जो सुबह बात कर रहा था, आ गए अपन, नाम ही ज्यादा नहीं मुझे, अरमान भाई सलाम दुआ करो। सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अभी भाई के रूम में जा रहा हूँ, खाना जो है ये लोग ना वो ये भी बगैर खाना दिए थे, थोड़ा खा लिया बस, खा के बैठे। अभी आए भाई, आए बुला लीजिए, भाई के रूम जा रहा हूँ अरबाज भाई के। अरबाज भाई सुबह जो जो बात कर रहा था मैं शिमोगा वाले बोल के, इन्होंने परसों का वीडियो डाला नहीं, और पड़ा पेंडिंग है। अभी भाई का भी यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है? अरबाज 108 ब्लॉग। 108 ब्लॉग, लिंक डाल दो डिस्क्रिप्शन में। क्या बोलती है? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल। इनको ही नहीं आ रहा हूँ, खल्ले वल्ले जो भी है वहां डालती देख लो। तो ये यहाँ से मेरे उसके अम्मा के घर से 5 मिनट का रास्ता है इधर ही, फर्स्ट सिग्नल सेकंड सिग्नल वहां से राउंड अबाउट से राइट, नहीं राइट में यहीं पास में चलूँ, रूम में चल के मिलते हैं, बहुत सारी बातें करने का है। हाँ भैया, तो अपन आ गए भाई के रूम पे, दिखाता हूँ भाई कौन कौन सी गाड़ी चलाते हैं। ये रोल्स रॉयल, ये गाड़ी, और ये BMW लेक्सस। भाई किचन देखो भाई, कितना बड़ा किचन है भाई। ओहो, हुक्के की तैयारी हो रही है, हुक्का मार रहे, दबा के बिरयानी खाए, हुक्का मार रहे अभी, क्योंकि हुक्का जो है वो कितने रूम है, वो अकेले नहीं रहते, रूम बहुत है यहाँ पे। एक यहाँ पे किचन बड़ा है, 1 2 3 4 5वें रूम में भाई रहते। सोचो फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है, घर की फैमिली। कितने घर है जी, कितने घर है, घर कितने देखो भाई, अच्छी है। कितनी फैमिली? तीन फैमिली घर की। वो जो रोल्स रॉयल है ये दूसरा वाला चलाता है, इनकी लक्सेस है। अभी अपन हुक्का मार रहे हैं बस, सीटो दबा के। तो भैया अबू हमूर में अपन चाय पीते पीते जा रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, यही तो जिंदगी है हमारी, क्रिकेट खेलो और उधर इधर टाइम पास करो, जिंदगी गुजारो। देखो यहाँ के घर कितनी खूबसूरत है, कितने प्यारे प्यारे झाड़ और सब लगते हैं यहाँ पे, खुला मैदान है, क्रिकेट खेल रहे। आज जुम्मा है, अब मालूम नहीं हम लोग बुला लेते या नहीं बुला लेते, देखेंगे भैया। ओ 6 मारा भाई, ये हालत है भाई हमारे परदेशियों का। आज जुम्मा है, वीकेंड का एंजॉय मना रहे अपन, क्रिकेट वर्केट खेल रहे अपन, नहीं ये लोग खेल रहे पाकिस्तान के लोग। इतना बड़ा मैदान है, ऐसा मैदान हुआ तो हमें मच्छर पालने तालाब में छोड़ छोड़ते हैं। रात के 8 बज रहे हैं, मैं जो है हमारे भाई के रूम पे ही हूँ अभी तक। क्या बोलना चाहते भाई, क्या ऐसी जिंदगी को क्या मैसेज देना चाहते? नसीब का बात, हाउस ड्राइवर का ड्यूटी है। हाउस ड्राइवर पे तुम बोलते हैं वीजा दो वीजा दो, देखो यहाँ पे ये सब करना पड़ता है, ये सब भाई ये सब खाना पड़ता है, ये सब कुर्सी में बैठ लेके हुक्का हुक्का मारना पड़ता है, रूम पे सड़ना पड़ता है। अबे आराम से रहो, माँ बाप के साथ जिंदगी बिताओ, भाई बहन के साथ रहो। एक सीख, हाँ एक ये इसमें आगे क्यों पढ़ते हो? मतलब इंडिया में अगर 40 से 50 हजार रूपए तकरीबन 30 हजार सैलरी कमा सकते, यहाँ भी वत्ता कमाने का, यहाँ तो भी भाई का एक्सपीरियंस है। 8 महीने, कितने महीने किधर? यहाँ कतर में आके, कतर में आके मेरे को 2 साल हुआ। 2 साल हुआ भाई को, भाई को 2 साल हुआ, और क्या 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 सीखने को मिला तुमने, किससे मिस कर रहे थे? थोड़ा रो रो रो, थोड़ा रोने का इमोशनल, थोड़ा नहीं, ओवर नहीं, एक्टिंग, हाँ ओवर एक्टिंग। तो दूसरे आके बाद में तकलीफ नहीं पड़ना, आओ मुश्किल नहीं, वो सी भी गल्फ कंट्री को जो मुश्किल नहीं। अच्छा तुम्हारा लाइसेंस कैसा बने है? लाइसेंस लाइसेंस के बारे में बहुत जाने को। लाइसेंस का बहुत बड़ा जर्नी है, लाइसेंस एकदम फ्री में तुम्हें वीडियो बनाना मुश्किल नहीं, लाइसेंस के बारे में बड़ा जर्नी है, हाँ उसमें वीडियो में बोल दो। वीजा वीजा बहुत जने पूछते हैं, वीजा देने वाले इन्हें देखो भाई, इनको क्या वीजा बोलते देने बोलो वाले, तुम? मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मुझे भी बल्ला जी ने कमेंट्स आती, हाँ
खासकर खतर का वीजा फ्रेशर को मिलने का बहुत कम, फ्रेशर को ऊँटा मिलने चराने, बकरे चराने, कोक्सान यार धोने, टॉयलेट धोने, नहीं, ये कोक्सान धोलाना, ये धोलाना आदमी का सोच ही, ये सब आदमी वहां कैसे कैसे हमको फंसाते हैं लेकर, हमें हमें वो सब करने नहीं चाहते अभी मैं खास व्यूज के लिए यूट्यूब में खास करके। अभी मैं खासकर खतर के बारे में बोलता हूँ, खतर का जो वीजा है ये ओरिजिनल, खतर का वीजा है ना पासपोर्ट पे स्टैंपिंग नहीं होता, जो पासपोर्ट जो नंबर रहता उसी पासपोर्ट नंबर से ऑनलाइन ऑनलाइन वीजा है, वीजा है इशू हो जाता है। जब तुम्हारे को मालूम हो जाता कौन सी कैटेगरी में काम को जानी, तुम्हें गवर्नमेंट से जो रूल्स होकर काम वो रूल्स है, सऊदी के जैसा नहीं, दूसरे कंट्री के जैसा कि पासपोर्ट में वीजा आता जाको मुंबई को जाको यहाँ जाको स्टैंपिंग करो, कोई भी वीजा आता स्टैंपिंग करा ले चले जाती, वहां जाकर बोलते हैं हम मजरे में डाल डाले, ऊंटा चराने डाले, दूध दिखाने डाले, बकरे चराने डाले, टॉयलेट धोने डाले डाले, ये सब बोलती है खेता चराने डाले, रूल्स है ना, नंबर वन रूल्स का, नंबर वन रूल्स अच्छा है, मुश्किल नहीं आओ अगर वहां में 20 से 30-25 हजार कमा रहे इंडिया, मुश्किल नहीं आओगे तो कौन वीजा देना उनको, वीजा देने की बात कतर का मैं बोलता हूँ, खासकर कतर में ही, कतर के बारे में बोलता हूँ, तुम्हें भी कतर में ही मालूम हो, फ्रेशर को वीजा मिलना बहुत कम, ड्राइवर का दूसरा वीजा मिल सकता, और सुनो भाई सुन रहे नहीं बे, सुनो हाँ, सुन रहे, कतर का वीजा मिलना फ्रेशर को जो नया बंदा है उसे मिलना बहुत कम। अब 3 बार बोले तुम्हें ये बात, सुने देकर को ये बाद में हाउस ड्राइवर हो गया और दूसरा कैटेगरी का हो गया, हाँ वीजा मिलता, अब एजेंट के पास गए तो वीजा मिलता, उन्हें तुम्हारा टाइम देता, कहता 3 महीना 4 महीना 5 महीना तक साइकिल देगा, मेरे दोस्त को अभी साइकिल मिल रहा, उन्हें साइकिल पीछे कहीं की साइकिल, वीजा दे तो वीजा देते, उनको पैसे मंगले करता हूँ, तुम्हें साइकिल के तो भी साइकिल चलाने दे देंगे समझेंगे, उन्हें पीछे पीछे साइकिल मारले कर रहा उसके, पैसे दे नहीं तो वीजा दे बोल के। कतर में हूँ, कतर के बारे में बोलता हूँ, कतर में अभी वैकेंसी कम निकल रही, दूसरे निकल रही वैकेंसी निकल रही, अभी फीफा वर्ल्ड कप में तो वैकेंसी बहुत थे, वीजा अभी बहुत कम निकल रही, इंशाल्लाह अभी नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ कतर में, मैं भी सुना एक दो तीन बड़े बड़े यूट्यूबर से सुना नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंशाल्लाह बकरीद के बाद या बकरीद के पहले वीजा शुरू होती, और खासकर हाउस ड्राइवर को जो फ्रेशर आना चाहती उनके वास्ते एक ही चेक बोलने का, इधर तुम्हारा कोई भी फैमिली मेंबर रिलेटिव रहना तभी आपको वीजा मिल सकता हाउस ड्राइवर का, फ्रेशर वाले को, रिटर्नर को भी सेम कोई फैमिली मेंबर रहा वैसा रहा, तुम्हारा रिलेशन रिलेटिव रहा दोस्त रहा तो तुम्हारे को हाउस ड्राइवर का वीजा मिल सकता, और एजेंट के पास जाके पूछना, जाको तुम्हें 20-30 हजार पैसा देना और उनके पीछे तुम्हें साइकिल मार ले फिरते रहना, कब देती भाई कब देती वीजा, ये मुश्किल होता, सबर करो इंतजार करो, सबर का फल मीठा, सबर करो जो भी काम होता अच्छे से होता, अगर वहां से देखो अभी अभी हमें मीठा खा रहे हैं, देखो मीठा खा रहे हैं 20-25 हजार रूपए तुम्हें इंडिया, हमारा हमारा फल हुआ मीठा, बाकी हमारा मीठा हुआ आगे हमें मीठा हुआ मीठा खा रहे, 20-25 हजार रूपए तुम्हें इंडिया में, नहीं जी लोगों को ना मजाक मजाक सोचते रहता, एक 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 दो एक दो लोग तो ऐसे है अच्छा पढ़ाई लिखी करे सेकेंड ईयर लिखे कोई डिग्री पास कर, बोलते भाई कैसा भी करके मजबूरी है मजबूरी है, इंडिया में मजबूरी है हमको पता है, हमको भी पता है मजबूरी है, मजबूरी में आए लेकिन पढ़े लिख के अच्छे काम पे आओ, पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे काम पे, कतर के होते कुछ कतर के खासकर कतर के सैलरी बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कौन सा भी कंप्यूटर सीखो कंप्यूटर क्लास सीखो, यहाँ पे वो काम जो मोहल्ला में काम मिलता है ना कैशियर का काम, कैशियर का वो सभी बहुत कम मिलने का, आओ प्राइवेट जो रहता जो प्राइवेट जो कंपनीज रहती उधर काम करो मुश्किल नहीं, ये कैशियर का काम मिलता, कैशियर का काम जॉब मिलता, ये मॉल ऐसे मॉल के काम मिलती है, थकाव देती है उसमें, सबर करो पूछताछ करो, तुम्हारे फैमिली रिलेटिव ऐसा रहा तो वीजा मिलता, नहीं तो भाई के चैनल को मेरे चैनल को सपोर्ट करो, इंशाल्लाह अपडेट देती हूँ, उन्होंने भी अपडेट देती वीजा के बारे में, मुझे इंस्टाग्राम में भी बहुत मैसेज आते रहती है, यूट्यूब में भी कमेंट करते रहते हैं, अभी भाई को आप लोग सब भाई को मैसेज करेगा तो भाई वीजा एक आदमी को तो देखने होता नहीं, जितने भी सब्सक्राइबर्स भाई को जुड़ गए इंस्टाग्राम में हो, कतर रिटर्न है तो कतर रिटर्न के लिए लाइसेंस रहेगा, उसे वीजा रेडी रहता, उसे 2500 से 2000 तक सैलरी रहता प्लस फूड भी रहता उसे, फूड 2500 इंडिया के कितने होते 50 हजार के ऊपर होते, कतर के कतर का खासकर कतर का बोलता हूँ, जिसके हाथ में कतर का लाइसेंस है उन्हें इधर यहाँ का किंग होने, किंग हमें वो है किंग, अभी कतर का लाइसेंस निकालने में इतना तकलीफ होती कि बोल नहीं सकता, एक एक आदमी लोग का एक साल होता लाइसेंस निकालने, अच्छा कितने सवालों में कितने पास करना पड़ता, बोला कंप्यूटर एग्जाम में 40 क्वेश्चन रहती 40 रहती 38 लाजिम देना, 38 लाजिम पास करना, 38 लाजिम पास करना नहीं तो फेल, नेक्स्ट और पैसा पे करो, तफील अच्छा रहा तो उन्हें हो को पढ़ाता नहीं तो सैलरी से पैसा, अच्छा कितने दिन मदरसा सिखाते हैं, वो कितने दिन का कोर्स रहा था, 15 दिन का हाफ कोर्स, फुल कोर्स 30 दिन का रहा, स्कूल के जो मदरसा रहता उसके ऊपर डिपेंड कि स्कूल में ज्यादा ट्रैफिक रहेगा तो तुम अपना 3 महीने का 4 महीने का ऐसा डेट मिलता, स्कूल में सेम लाइक दुबई का
दुबई का। अभी सऊदी में, सऊदी में आप, सऊदी में पता है मैं 20 सवाल है, मैं 15 सही सवाल के जवाब देना था। सऊदी में उतना खास नहीं, आप जाओ कफिल गया मेरा भाई, दो पैसा इधर इधर करे, अंदर बाहर करे, लाइसेंस मिल जाता। कतर में रूल्स नहीं, कहीं कितने कोसा कोसा कतरी गया तो भी, बड़े से बड़ा शेख गया तो भी इधर लाइसेंस नहीं देता, पास कर लाइसेंस पकड़, क्यों इधर का लाइसेंस बहुत कीमती। मेरा 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 तो कपिल फोन पे कराया बस। फोन पे करा मतलब आपका सऊदी का लाइसेंस है ना, आप रिटर्नर, तुम आप सऊदी का लाइसेंस है, वो सऊदी के लाइसेंस को डुप्लीकेट कर दो, इधर को ओरिजिनल लाइसेंस दिया, क्यों आप सऊदी में काम करके चुके हो, प्रोफेशनल सऊदी प्रोफेशनल मालूम है, एक्सपीरियंस वाले, ड्राइविंग कर सकते हैं, आपके ऊपर भरोसा करके कतर से लाइसेंस मिलगा। हमारा ऐसा नहीं, हमारा इंडिया का लाइसेंस, इंडिया का लाइसेंस का 1% भी वैल्यू नहीं इधर, 1% भी वैल्यू नहीं। चुप लाइसेंस चुप, सिर्फ देखती सो गाड़ी चलाया बोल, गाड़ी चलाया, इन्हें ड्राइवर था बोल के उतना देखता सो हाँ लाइसेंस। इधर रह के बाद हमें एल्बो डे नए सी सीखना सो, इधर लाइसेंस काटना बहुत मुश्किल है। लाइसेंस में तकरीबन लोग व्यूज के लिए क्या क्या तो भी बोल देते हैं इंस्टाग्राम में सही यूट्यूब सही में। व्यूज के बारे में बोलती है, जरा जानकारी लो हाँ पहले, उधर रोको क्या भी ड्रोनों को। लाइसेंस के मामले में 4 से 5 एग्जाम रहती है, एक हाँ कंप्यूटर एग्जाम हो गया, फर्स्ट आईस टेस्ट होता, हाँ उसके बाद कंप्यूटर एग्जाम, आईस टेस्ट होते रहता। क्या क्या होता वो, आईस टेस्ट, अंकियां का टेस्ट होता, अंकियां का टेस्ट होता, एक कंप्यूटर एग्जाम, कमजोरी घट रख लेना, हाँ एक कंप्यूटर भी एग्जाम रहता, एल पार्किंग, एल शेप में पार्किंग जाना, रिवर्स में ही आना, साइड में पोल्स रहती। मैं मेरे YouTube चैनल में हर एक वीडियो लाइसेंस के बारे में अपलोड करके आई हूँ, और पैरेलल पार्किंग रहता है, एक दायरा बॉक्स के अंदर गाड़ी लेके जाके रुकाना, उसमें रोड सेंसर नहीं, रहता वो है, सऊदी में भी है, 8 राउंड करना, सात इधर राउंड ऐसा करना रूल्स नहीं, हाँ इधर सेंसर रहता है, टायर है ना, क्रास में भी करके खड़े तो पास कर देती हूँ उधर, इधर ऐसा नहीं, टायर भी स्ट्रेट रहना, नहीं तो सेंसर रहता, सेंसर से अलार्म मार लेता, फेल। रोड टेस्ट इधर कतर में सब लोग रोड टेस्ट के वास्ते डरते हैं, क्यों, ट्रिपल स्टार डबल स्टार पुलिस वाला बाजू बैठ कर रहा था, वो पुलिस वाले के डर से क्या होते हैं, आदमी लोग फेल हो जाते हैं बहुत, हाँ नहीं डरना, उन्हें बाजू बैठे मुश्किल नहीं, हमें जैसा हमारे मुल्क में हमें कैसा गाड़ी चलाते थे वैसा गाड़ी चलाना, बस झटका नहीं देना, जो बैठा ना उसे झटका नहीं देना, ऐसा समझ को चलाना गाड़ी कि हमारे साथ में प्रेग्नेंट लेडी बैठी है, ऐसा स्मूथली गाड़ी चलाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह पास। चलो लाइसेंस के बारे में, इंशाल्लाह लाइसेंस के बारे में आप इंटरव्यू निकालो, बोल दो क्या क्या होता, सलाम वालेकुम, क्या क्या होता बोल दो लाइसेंस के बारे में, आप हाँ इंटरव्यू निकालो। देखिए वीजा के बारे में, अच्छा वीजा मिलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। क्या कौन सा माला है, अयंग खालिद से वापस जा रहे हैं अपन, क्योंकि आपको मालूम ही है दोपहर में आके बैठा था मैं भाई के साथ में, चाय वाय पिए, खाना भी खा लिए, अब जा रहे वापस, 9 बज रहा है रात के टाइम, अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं आया, फ़ोन आने से पहले जाको अपन वहाँ जाको भाई, बैठ तू मैं घर के पास, तो बोला भाई के बुला ले जा रहा हूँ अभी थोड़ा वहाँ थोड़ा देर टाइम पास करेंगे, उसके बाद में आएंगे और देखेंगे क्या होता है यार, जिंदगी झंड हुई, क्या हाल है भाई, देखो ऐसी जिंदगी है हमारी, ये भाई साहब उनका कफील का मंदिर सही है, मंदिर बहुत बड़ी फैमिली है भाई इनकी, क्या करें बड़े कंजूस है, पैसा ही बोल रहे पैसा ही नहीं देते चलो देखेंगे जो भी होता है, मिलता हूँ बाद में।